Hello everybody, I welcome you all for today's session. In last session we started the viruses, viroids and prions. Okay, in last session we just seen the characteristic features of the viruses, its discovery, its various characteristics, okay, and types of the various type of the viruses which are responsible for the various type of diseases. Okay, now today we will continue with a specific type of virus, that is an bacteriophage. इसके पहले हमने देखा था कि वायरसेस हर तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं. वायरसेस स्पेसिफिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब वायरसेस सिर्फ पैरासाइट होते हैं. अदर उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल मैकेनिज्म नहीं होता. ओनली दे आर पैरासाइट. वो सिर्फ पैरासाइट होते. वाई? आउटसाइड द एनिमल बॉडी और आउटसाइड द सेल दे आर नॉट लिविंग, बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ देयर मल्टीप्लीकेशन, दे रिक्वायर द स्पेसिफिक कंपोनेंट, दैट इज एंजाइम्स और वेरियस मेटाबोलाइट्स दे रिक्वायर्ड. बट आउटसाइड द एनवायरमेंट दे कांट गेट दीज मटेरियल्स फॉर द पर्पज ऑफ देयर रिप्रोडक्शन और द मल्टीप्लीकेशन. बट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज द बैक्टीरिया, इट इज फंगाई और अदर एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इनसाइड दैट सेल और इनसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म दे गॉट दैट मेटाबोलाइट्स एंड बाय यूजिंग दैट मेटाबोलाइट्स दे विल मल्टीप्लाई देयर सेल्फ. ओके, तो उनके अंदर के मेटाबोलाइट का यूज कर ये जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो इसीलिए हम इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं. तो उस बेसिस के ऊपर कुछ वायरसेस, सम वायरसेस जो हैं वो प्लांट वायरसेस होते हैं. सम आर प्लांट वायरसेस, मैंने कल आपको बताया था. ठीक है, अब इसके अंदर मुझे ये बताना है आपको कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस जो है ये आरएनए वायरस होते हैं. दीज आर द आरएनए वायरस. एक वायरस ऐसा है कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, CMV, याद रखो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस. ये अकेला वायरस ऐसा है जो इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट नहीं करता. ओके, समझ में आया आपके? तो ये क्या करता, ये इसके अंदर, इसके प्रोटीन कोट के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज प्लांट वायरसेस. एनिमल वायरसेस, ये जो एनिमल वायरसेस होते हैं तो ये सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, बिकॉज इन देयर पैरासाइटिज्म दे हैविंग स्पेसिफिक नेचर. उनके पैरासाइटिज्म के अंदर वो स्पेसिफिक नेचर शो करते हैं, तो स्पेसिफिक नेचर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेंगे, अदर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं करते. तो एनिमल वायरसेस के अंदर जो वायरसेस होते हैं ये वायरसेस मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं. दे कंसिस्ट द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर. कुछ एक्सेप्शंस इसके अंदर हैं, तो इन एक्सेप्शन के अंदर रिट्रोवायरसेस आए. अब रिट्रोवायरसेस कौन से हैं, यू समझ लो आपका HIV, ये रिट्रोवायरस है. उसके बाद कोरोना वायरस, ये भी रिट्रोवायरस है. तो ये जो रिट्रोवायरस होते हैं, और एक वायरस लेना पड़ेगा हमको, इन्फ्लुएंजा. ओके, राउस सार्कोमा वायरस, RSV, दैट इज राउस सार्कोमा वायरस. तो ये जो वायरस होते हैं, तो इन सब वायरस के अंदर वहां पर आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल. अब इसके अंदर भी मोस्ट ऑफ दी वायरसेस ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंसिस्ट करते हैं. कौन से कंसिस्ट करते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. दे हैविंग SS RNA, याद रखो दे कंसिस्ट द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. तो इस पर इसके पहले क्वेश्चन किया गया है, तो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते. एक है रियो वायरस. तो इस वायरस के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल. यू नो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल?
the material which is responsible for transmission of character from one generation to another. पहले generation में से दूसरे generation के अंदर character transfer करने के लिए जो responsible material होता है उसे genetic material कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा body के अंदर, ये छोड़कर अगर हम देखेंगे तो बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर बनाते हैं वो कैरेक्टर बनाने वाला जो मटेरियल होता है उसको भी हम जीनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने तुम्हारे सामने रखे। अब ये तीसरा टाइप है, यहाँ पर मैंने इसमें आपको प्लांट वायरसेस बताया, एनिमल वायरसेस बताया। अब ये तीसरा टाइप जो आपके सामने है दैट इज बैक्टीरियोफेजेस, फेज, PHAG। ये फेजीन इस वर्ड से बना, फेजीन। और फेजिन क्या होता है? फेजिन मंजे मतलब टू एंगल्फ। व्हाट इज फेजिन? टू एंगल्फ, अंदर लेना, इसे कहते हैं फेजिन। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया के पूरे अंदर चला जाता, पूरे अंदर चला। वैसे भी वायरसेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन दे विल एंटर इन टू द बॉडी और द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट एंटर मीन्स वॉट? Only their genetic material they enter into the organism and the actual body will be outside. जो complete body होती है, proteinaceous capsid होता है, वो बाहर होता है और सिर्फ उसका genetic material वो क्या करते हैं? Organism के body के अंदर या तो cell के अंदर transfer करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जब वो जाता है, वो जो genetic material अंदर जाता है, तो वो genetic material फिर नए viruses बनाता है inside the cell। समझ में आपके? हाँ, कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसके अंदर कंप्लीट वायरस अंदर जाता है, एंटर होता है। समझ में आया आपके? तो अभी हम कंप्लीट के अंदर जैसे रिट्रो वायरसेस का ले लो, इनके बाहर से रिसेप्टर होते हैं जो सेल के ऊपर कनेक्ट होते हैं, तो वो डायरेक्ट पूरे बॉडी को अंदर से एंटर करते। चलो हम यहाँ आते हैं, तो बैक्टीरियोफेजेस कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं? तो दिखने में ये ऊपर हेड कंसिस्ट करते हैं, दे कंसिस्ट द हेड, ओके। अब हेड के अलावा यहां पर नीचे वो नेक रीजन कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। अब सबसे आखिर के अंदर यहां टेल प्लेट होता है। अब ये जो टेल प्लेट होता है तो यहां पर कुछ स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, और बाकी सब टेल्स होते हैं। There is presence of tails. ये इस तरीके से यहां पर टेल है इनके अंदर, ठीक है। अब ये हुआ हेड, ओके, ये हुआ नेक, ओके, और ये हुआ टेल। एक्चुअली ये टेल फाइबर है और ये रीजन जो है ये टेल है, ओके। अब यहां पर आपको टेल प्लेट मिलेंगे देखने में, देर इज टेल प्लेट, ओके। नेक रीजन ये समवॉट स्पाइरल होता है। अब ये जो हेड होता है तो हेड रीजन के अंदर देर इज प्रेजेंस ऑफ, इट एनक्लोजेस द जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेजेस के अंदर, तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जितने भी बैक्टीरियोफेजेस हैं इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक एग्जाम्पल है दैट इज ई कोलाइफेज। ये जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उस पर से उसके नाम बनते हैं, ई कोलाइफेज। दीज फेजेस हैविंग एसेस डीएनए दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? आपने डीएनए का स्ट्रक्चर इसके पहले भी पढ़ा है, 9th या 10th के अंदर। तो मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर निकाला है ये डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए, इसको आपने पहले स्टडी किया है, पहले से पढ़ा है, ओके। अब ये जो डीएनए दिख रहा है ये डबल स्टैंडर्ड है, मतलब ये एक स्ट्रैंड हुआ इसका, ये दूसरा स्ट्रैंड हुआ। समझ में आया? अब सिर्फ सिंगल होगा तो समझ जाने का ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इज इट क्लियर? तो बैक्टीरियोफेजेस के अंदर जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जैसे ई कोलाइफेज है तो वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेजेस के जो नाम है, द नेम ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस डिपेंड ऑन द इन्फेक्शियस एजेंट, सॉरी डिपेंड ऑन द होस्ट, जिस ऑर्गेनिज्म पर वो इन्फेक्शन करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता। अगर सियानोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो सियानोफेजेस हुआ। अब यहां पर ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते तो वो क्या हो गए?
बैक्टेरियोफेजेस हो गए, इज इट क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको इकोलाइफेजेस, इकोलाइफेजेस इकोलाई को ही इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो बैक्टेरियोफेजेस होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो टाइप के अंदर। सम बैक्टेरियोफेजेस आर प्रोफेज, कुछ बैक्टेरियोफेजेस ये प्रोफेज है। ये प्रोफेज को हम दूसरा और एक नाम देते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टेरियोफेजेस। इन्हें क्या नाम देते हैं? लाइसोजेनिक बैक्टेरियोफेजेस। क्या है तो प्रोफेज जो होते हैं ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, दे आर नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक। ये कैसे होते हैं? नॉन पैथोजेनिक। इस स्टेजेस के अंदर नॉन पैथोजेनिक, इस कंडीशन के अंदर ये ऑर्गेनिज्म के सेल को कौन से ही किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं करते। दे डो नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म सेल्स, दे ओनली मल्टीप्लाई। इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है? ये सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं। दे डू नॉट अफेक्ट टू द होस्ट सेल, होस्ट सेल को अफेक्ट नहीं करते। लेकिन नेक्स्ट स्टेज है इसके अंदर, दैट इज लाइटिक फेज। ये जो लाइटिक फेज होता है इसमें दे अफेक्ट द होस्ट सेल। ये क्या करते हैं? होस्ट सेल को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करते मीन्स क्या करते हैं? लाइसिस ऑफ सेल, सेल को डायरेक्ट ब्रेक करते। सी दिस इज एन बैक्टीरिया, ओके। अब जब इसके अंदर इसके बहुत सारे वायरसेस बनेंगे, देखो आप, मैंने आपको यहां पर तीन वायरसेस बताया अंदर, ये क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, वो सब उस सब्सटेंस को कहते हैं एंडोलाइसिन। तो एंडोलाइसिन क्या करता है? इसको ब्रेक करता है, इसके सेल वॉल को, और इसको ब्रेक करके यहां से बाहर निकलते हैं, इट विल कम आउटसाइड। तो क्या हुआ, इन्होंने, इन वायरसेस ने क्या किया? इसको ब्रेक किया, लाइज किया। लाइज करना मतलब क्या होगा? लाइसिस करना मतलब क्या है? ब्रेक करना, सेल वॉल ब्रेक करके बाहर निकल रहे, मतलब कंप्लीट सेल को यहां पर क्या कर दिया उन्होंने? किल कर दिया, मार दिया। समझ में आ रहा है आपके? तो मैंने आपको यहां पर बैक्टेरियोफेजेस दो कंडीशंस के अंदर बताया, इस कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो बैक्टेरियोफेजेस, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वैसे मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो होते हैं इनका रिप्रोडक्शन सिमिलर है। तो रिप्रोडक्शन माने मल्टीप्लीकेशन, ये अपनी उत्पत्ति कैसे बढ़ाते हैं या तो अपना नंबर कैसे बढ़ाते हैं? दे इंक्रीज देयर नंबर बाय मल्टीप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन और बाय रिप्लीकेशन सिंपली। तो इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल रिप्लीकेशन, सॉरी वायरल रिप्लीकेशन। हम बैक्टीरियोफेज देख रहे हैं, पीएच ए एस ई लिखोगे तो फेज होगा, पीएच ए जी ई लिखोगे तो फेज होगा एंगल्फ करना, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज, इसके जो लाइफ साइकिल है, इट्स लाइफ साइकिल, उसे हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, उसे हम मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। तो ये वेरियस स्टेजेस के अंदर डिवाइड हुआ, स्पेसिफिक स्टेजेस हैं। तो इट कंसिस्ट, सबसे पहली स्टेप होती है अटैचमेंट। ये वायरसेस पहले क्या होते हैं? बैक्टीरिया के बाहर के जो बाहर का जो वॉल होता है उसको अटैच होते हैं। उसके बाद पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब पोर बनाकर उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ते हैं, पेनिट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट, अब उसके बाद अंदर जाने के बाद डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए। होस्ट का तो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, फिर ये खुद अपना डीएनए का रिप्लिकेशन करते हैं। तो क्या होगा यहां पर? डीएनए सिंथेसिस करते हैं। डीएनए सिंथेसिस के बाद कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस बना करने के बाद इन वायरस की बॉडी ही प्रोटीन से बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस के जरिए से दे प्रोड्यूस देयर बॉडी और द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, वो उनके बॉडी के पार्ट्स बना लेते हैं। अब ये पार्ट्स डीएनए सिंथेसिस की वजह से बहुत ज्यादा उसके अंदर डीएनए के कॉपी बने हैं, तो ये सब असेंबल्ड होते हैं, एक होते हैं, ठीक है। हेड अलग बना, टेल अलग बना, टेल फाइबर्स अलग बने, और फिर उसके अलावा अलग अलग डीएनए हैं, पूरे कॉपीज हैं उसके, तो ये सब एक होते हैं। ये एक होना मतलब असेंबली, इसे हम कहते हैं वीरियोइड असेंबली।
ये अलग अलग कंपोनेंट एक होते असेंबली। अब असेंबली होने के बाद में फिर अब क्या होगा, ये कंप्लीट वायरसेस बने। नाउ दीज आर कंप्लीट वायरसेस एंड आफ्टर दैट द लास्ट स्टेज इज ए लाइसिस। और लास्ट स्टेज में क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको लाइस करेंगे। मैं यहां पर आपको फिगर बेस बताता हूं। ओके तो ये आपका बैक्टीरिया है, कौन सा भी बैक्टीरिया ले लो। अब इस बैक्टीरिया के अंदर इसका अपना ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये आपका बैक्टेरियोफेज जो है ये क्या होगा, ये इस बैक्टीरिया पर आकर बैठ गया, मतलब इसको इन्फेक्शन करने वाला है। ओके तो ये हुआ आपका अटैचमेंट। बैक्टेरियोफेज या तो वायरसेस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया कि व्हेन इट इन्फेक्टिंग टू अनदर सेल और द होस्ट सेल इट ओनली इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल। वो क्या करता है, वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट करता है। ठीक है, अब ये इसका जेनेटिक मटेरियल हुआ डीएनए। ओके अब ये क्या करेगा, पेनिट्रेशन, नेक्स्ट स्टेज अटैचमेंट तो आपकी हो गई। अच्छा अटैचमेंट कैसे होगा, हाउ अटैचमेंट, तो मैंने इसको इसके पहले आपको बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के सेल के बाहर जो वॉल होता है, मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर रिसेप्टर होते हैं। तो ये क्या करते हैं अटैचमेंट के टाइम, वो बैक्टीरियोफेजेस दे रिकॉग्नाइजेस द रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के वॉल पर जो रिसेप्टर होता है उसको रिकॉग्नाइज करते, बराबर उस रिसेप्टर पर जाकर बैठ जाते। ठीक है, अब बाद में सेकंड फेज में क्या होगा, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब क्या होगा, ये इनका अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये इनका अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन ये क्या किया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला, अब बाहर जो बचा, ये जो बाहर बचा इसके अंदर डीएनए नहीं है, इट नॉट हैविंग द डीएनए, सो दिस इज कॉल्ड एज द घोस्ट। ये क्या हुआ, घोस्ट। और जिस बैक्टीरिया को उसने इन्फेक्ट किया उसे क्या कहेंगे हम, होस्ट। दिस इज होस्ट एंड दिस इज द घोस्ट। ओके एंड ही एंटर्ड इट्स जेनेटिक मटेरियल इन टू द बैक्टीरिया। अब इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डाला, अब ये जो इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, जब ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आएगा डीएनए, तो ये क्या करेगा, इसके जो मेटाबोलाइट्स है उसको यूज करेगा। समझ में आ रहा आपके, द न्यूक्लियोइड ऑफ द बैक्टीरिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड बाय यूजिंग दैट मेटाबोलाइट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया विल बी मल्टीप्लाई। उस मेटाबोलाइट के जरिए से ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन क्या होगा, ये जब अंदर आएगा, ओके वायरल डीएनए व्हेन एंटर इनटू द बैक्टीरिया इट यूजेस द मेटाबोलाइट्स और दैट मटेरियल्स, हम उसे कहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज, रेप्लिकेशन मशीनरीज हम उसे कहते हैं। तो उस मटेरियल को ये यूज करेगा, जब ये यूज करता है तो इसको अपने मटेरियल नहीं रहते, तो वो मटेरियल क्या करते हैं, इन बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को या तो डीएनए को स्टेबल रखते हैं। लेकिन इफ द वायरल डीएनए और वायरल जीनोम यूजेस द मशीनरीज ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम, इन दैट केस व्हाट हैपन, द बैक्टीरियल जीनोम विल बी डिसइंटीग्रेट। बैक्टीरियल जीनोम क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। हम यहां आ रहे, देखो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द होस्ट डीएनए, तो बैक्टीरियल जीनोम यहां पर क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा और वायरल डीएनए अपना रिप्लिकेशन करेगा, मतलब सिंथेसिस करेगा। तो यहां पर कॉपी बनेंगे इसके, देखो यहां पर बहुत सारे कॉपी बने। अब आगे चलो, अब तो यहां पर क्या हो रहा, आपका डीएनए सिंथेसिस हुआ, अब इसका एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन होकर ये खुद अपने मटेरियल, अपने बॉडी के पार्ट्स बनाएंगे। यहां आओ, अब यहां आप देख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ये देखो, ये इसकी क्या हो गई, हेड हो गया, ये होगा टेल, ये होगा टेल, ये होगा हेड। ओके ये होगा टेल, दिस इज द हेड, ये प्रोटीन हुआ और उसके अलावा दीज आर द डीएनए, ये रेप्लिकेशन है। तो ये बहुत सारे कॉपीज बने डीएनए के, उसके अलावा जो बॉडी के पार्ट्स है वो भी यहां पर बने, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ओके अब यहां तक की जो पूरी फेज है, ये पूरी फेज, इसके अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को कोई इंपैक्ट नहीं किया, मतलब बैक्टीरिया को मारा नहीं है, नॉट किल्स द बैक्टीरिया, नॉट किल्स द सेल, सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोफेज।
ये क्या होगा, प्रोफेज हो गया। इसमें कोई उसने उस वायरस ने बैक्टीरिया को अभी तक मारा नहीं है। अब यहां से आगे ये जितना भी मटेरियल है इनकी असेंबली होगी, इसे हम कहते हैं विरियन असेंबली। मैं यहां पर गलत लिखा, इट इज एन विरियन असेंबली। तो ये जितने भी मटेरियल हैं इसके अंदर, सी हियर, ये सब एक हो गए, सी हेड नेक टेल, हेड नेक टेल, हेड नेक टेल, ये सब जुड़ जाएगी, असेंबली जिसे हम कहेंगे। और जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड इन द हेड ऑफ द बैक्टेरियोफेज, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बैक्टेरियोफेज के हेड के अंदर एनक्लोज होगा, एनक्लोज्ड इन द हेड ऑफ द बैक्टेरियोफेज। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन नाउ आफ्टर दिस द लास्ट स्टेज, हमने ये देखा अभी लास्ट स्टेज लाइसिस। दिस बैक्टेरियोफेज सीक्रेट द एंडोलाइसिन, क्या करेगा ये, एंडोलाइसिन सिक्रीशन। उसके मैच्योरिटी के वक्त में इसे भी बाहर निकलना है और दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट करना है, हर एक को अपना अपना सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने के, बाहर कैसे निकलेंगे, दे प्रोड्यूस और दे सिक्रीट द एंडोलाइसिन। ये क्या करेंगे, ये यहां पर एंडोलाइसिन सिक्रीट करेंगे। इज इट क्लियर। अब ये एंडोलाइसिन सिक्रीट करने के बाद व्हाट हैपन, क्या करेंगे, ये जो एंडोलाइसिन इन्होंने सिक्रीट किया, तो ये एंडोलाइसिन क्या करेगा, ये सेल वॉल को ब्रेक करेगा, विच ब्रेक्स द सेल वॉल। सी हियर, ये आपका बैक्टीरिया है, तो यहां सेल वॉल ब्रेक हो गया। तो सेल वॉल ब्रेक किया, अब ब्रेक करके ये क्या हो गए, बाहर निकलेंगे, दे विल कम्स आउट। अब ये बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, दिस इज एन लाइसिस, इसीलिए से इसे लाइटिक स्टेज कहते हैं। तो ये लाइसिस हो गए और फिर अगेन दे विल बी स्टार्ट इन्फेक्शन टू द अनदर बैक्टीरिया, अब दूसरे बैक्टीरिया को ये इन्फेक्शन करना शुरू कर देंगे और साइकिल कंटिन्यू होगी। दिस इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, इसे क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। इसे रेप्लिकेशन भी कहेंगे और इसे रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, इट इज ए रेप्लिकेशन ऑल्सो, इट इज ए रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, तो पहले हमने कौन सी स्टेप दिखी थी, यहां पर अटैचमेंट, ठीक है, अब यहां पर होगा अटैचमेंट और पेनिट्रेशन भी यहां पर होगा, तो मैं यहां पर पेनिट्रेशन देता हूं। ओके, अब यहां पर डिसइंटीग्रेशन दूंगा। ये स्टेजेस अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम के साथ में दिया है। तो अटैचमेंट पेनिट्रेशन ये कॉमन है, विरियन असेंबली कॉमन है, लाइसिस कॉमन है और यहां पर प्रोटीन डीएनए सिंथेसिस कॉमन है। कुछ बुक्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन सेपरेट स्टेज दिए, कुछ बुक के अंदर नहीं दिया। ठीक है, मैंने यहां पर सेपरेट दिया, यहां पर क्या होगा, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ओके, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और यहां पर क्या होगा, विरियन असेंबली। ये जितने अलग अलग पार्ट्स है वायरसेस के वो क्या हो गए, असेंबल्ड हो गए। और इस स्टेज के अंदर यहां पर लाइसिस होगा। ओके, और फिर दे विल बी इन्फेक्ट टू द अनादर सेल, बाद में वो दूसरे और सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लाइटिक लाइफ साइकिल और दी, इसे लाइटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं, और द रेप्लिकेशन ऑफ द फेज डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ओके, तो यहां पर हम रुक जाएंगे। अब इसके बाद सिर्फ विरियन और प्रायन्स, ये दो कंसेप्ट यहां पर अभी बाकी रह गए हैं। तो ये जो दो कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट सिंपल हैं। ठीक है, मैं इन शॉर्ट आपको यहां पर बता दूं, मैंने पहले भी आपको शुरू में पहले लेक्चर के अंदर क्लियर किया विरियन्स और प्रायन्स क्या होते हैं। वायरसेस के कंपेयर के अंदर विरियन्स और प्रायन्स को मैंने तुमको डिफरेंशिएट करके बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो हम अभी
इन शॉर्ट उसको देख लेते हैं। तो दूसरा एक कंसेप्ट है विरियन, सॉरी वायरॉइड्स। क्या होते हैं वायरॉइड्स? वायरॉइड्स एक्चुअली द इन्फेक्शियस जीनेटिक मटेरियल, इन्फेक्शियस जीनेटिक मटेरियल। कुछ बुक ऐसे कहते हैं कि ये नेकेड आरएनए है, दीज आर नेकेड आरएनए। ओके, नेकेड आरएनए मतलब उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं, लेकिन कुछ बुक का ऐसा, कुछ बुक के अंदर ऐसा दिया है कि हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट है लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन कोट इसके अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो वायरॉइड्स होते हैं दे स्पेसिफिकली इन्फेक्ट द प्लांट्स, ओके स्पेसिफिकली ये किनको इन्फेक्ट करते हैं, दे स्पेसिफिकली इन्फेक्ट्स द प्लांट्स, दैट इज एन वायरॉइड्स। ये इन्फेक्शियस आरएनए और द नेकेड आरएनए होता है। तो इनका जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल, ये स्पेसिफिकली क्या है, एक्चुअली वो जेनेटिक मटेरियल ही है, तो वो क्या है, आरएनए है। अलग अलग टाइप के डिसीजेस ये प्लांट्स के अंदर फॉर्म करते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, दैट इज PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम है TO Dinner, ओके? तो ये होगा वायरॉइड्स। और आखिर में है प्रायोन्स। नो व्हाट इज प्रायोन्स? प्रायोन्स क्या है? तो दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये कंप्लीटली प्रोटीन्स है, ओके? देर इज नो जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और प्रायोन्स भी मोस्टली इन्फेक्ट्स प्लांट्स, लेकिन कुछ ऐसे है, सम प्रायोन्स इन्फेक्ट द एनिमल्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। ओके, एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल के अंदर दिया हुआ है तो उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लो। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आप मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आपके बाकी होंगे वो मुझे डाउट्स के अंदर आप बताओगे, और जितने भी टास्क है वो टास्क को आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद में जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और प्रीवियस ईयर्स के जो MCQs दिए हैं उन सारे MCQs को आपको सॉल्व करना है। उसके लिए मैं आपको 2 दिन दूंगा, या आने वाले 2 दिनों के अंदर सारे MCQs को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके वो सारे MCQs के अंदर के जो भी आपके डाउट्स है, तो वो सारे डाउट्स मुझे बाय टॉपिक नेम मुझे आपको भेजना है। टॉपिक नेम इन द सेंस कैसे, टास्क 1 है उसके जो भी नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4 क्या नंबर हो गए वो मुझे भेजो, टास्क 2 फिर उसके, टास्क 3 फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे आपको आपने व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है। ठीक है, अब जब आप मुझे डाउट सेंड करोगे तो फिर उसके बाद में डाउट्स क्लियर करने वाला एक वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा, मतलब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।